ये रेलवे का ट्रेन हादसा अपने साथ साथ कई सवाल के जाखिरा को खड़ा कर रहा है। सवाल ऐसे पहलू खड़े हो रहे हैं, जांच की उलझने भी काफ़ी उलझ चुकी है। आखिर जांच हो तो किस पहलू पर है? एक तरफ जो पूरे बिहार पुलिस प्रशासन शाहबाद जो जोन के DIG हैं वो एक तरफ झूठा बयान देते हैं कि बसें चलाई जा रही है। आप देखिए किस तरीके से वो बयान दे रहे हैं। स्पेशल बसेस भी यहाँ से चलाए जा रहे हैं उनको विभिन्न गंतव्य जो स्थल हैं वहाँ पर पहुँचाने के लिए, लेकिन ये बसें नहीं चलाई गई यहाँ के लोगों के लिए। आप और ये जो आपदा है, आपदा को अवसर में यहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी बदलने में लगे हुए थे। लेकिन साफ तौर पे हम आपको बता दें कि जो रेलवे में इतनी बड़ी चूक हुई है इस पे तो सवाल काफ़ी खड़ा हो रहा है, क्योंकि देखिए रेलवे जो वैसा है कि रेल के जो लाइन है भारत की इतनी बड़ी लाइन बिछी हुई है चारों तरफ में, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, इसका जवाबदेही कौन है? आखिर ये कैसे हुआ? आखिर जो ट्रेन के चालक थे उनको ब्रेक क्यों लगाना पड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हम आपको बता रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार है वो कितना चरम पे, रेलवे में भी इतने मतलब अंदर तक भ्रष्टाचार खोखला करते जा रहा है रेलवे को, वो हम आपको बता रहे हैं कि आप एक तरफ बयान सुनिए DIG किस तरीके से बयान दे रहे हैं। स्पेशल बसेस भी यहाँ से चलाए जा रहे हैं उनको विभिन्न गंतव्य जो स्थल हैं वहाँ पर पहुँचाने के लिए, कि काफ़ी कुछ है जो बसें हैं वो लोगों के लिए चलाई जा रही थी, लेकिन बस नहीं चलाया जा रहा। आज हम इसलिए हम आपको बता रहे हैं, आए दिन यहाँ से वो हम तस्वीरें आप तक पहुँचाना चाह रहे थे और वो तस्वीरें दिखा रहे थे कि क्या है, लेकिन हम आज बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार रेलवे में इतने चरम सीमा पर चल रहा है। इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की ही ये कंडीशन है कि जो आज ये रेलवे का जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्योंकि इसके पहले पूर्व में कई सालों पहले बिहार में एक सबसे बड़ा हादसा हुआ था, 750 से अधिक जाने गई थी, उसके बाद ये एक सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ। लेकिन कुछ आंकड़े जो हैं मृत्यु के वो जो कैजुअलिटी की जो वो जो आंकड़े हैं उसको छुपाया जा रहा, लेकिन इसका जवाब केंद्र सरकार देगी या बिहार सरकार देगी? काफ़ी अभी आप देख रहे थे नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट, एक बयान आया कि चार लाख रुपये जो मृतक के परिजन हैं उनको दिया जाएगा। क्या पैसा दे के उन परिवार वालों, उन घर वालों के, उन परिजनों को क्या लाया जा सकता है? पैसा उसकी भरपाई कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन इसीलिए हम बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार रेलवे में इतना किया जा रहा है कि इसी का ये उदाहरण है कि आज देखिए कि ये पटरी से बेपटरी ट्रेन हो गई। आखिर सिग्नल ड्राइवर को मिला था जाने के लिए, थ्रू लाइन से गाड़ी जा रही थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या पटरी कमजोर थी? आखिर ड्राइवर क्यों जो है ब्रेक लगाया, सिग्नल उसे जब सिग्नल मिल गया था तो फिर उसे ब्रेक क्यों लगाना पड़ा? सिग्नल नहीं मिला, सिग्नल के आगे सिग्नल रेड हो गया था, उसको आगे जाने की अनुमति नहीं थी, या फिर जो पटरी है वो इसकी वजन को नहीं सह पाया था? तो वही हम आपको बताना चाह रहे हैं, वही सारे सवाल जो है ये हादसा सवाल खड़ा कर रहा है कि इतने सारे जो हादसे हो रहे हैं आए दिन रेलवे से, तमाम देख रहे हैं कि कई जो ट्रेनें हैं पटरी से बेपटरी हो जा रही हैं, कभी अनबैलेंस हो जा रही है, कभी कुहासे में ऐसी खबर आती थी, लेकिन अभी जो है अभी का जो मौसम वो कुहासे का मौसम नहीं। यहाँ साफ तौर पर आप देखिए कि रेलवे के जो भ्रष्टाचार है वो कितना चरम सीमा पर, अंदर में जो भ्रष्टाचार है वो रेलवे को भी कैसे खोखला करते जा रहा है। यानी भारत में भ्रष्टाचार तो आए दिन आप देख रहे हैं, क्योंकि ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर तो तमाम जो भ्रष्टाचार है वो लोग झेल ही रहे हैं, लेकिन रेलवे पे एक सहारा था कि जो रेल है उससे लोग जाते थे कम पैसे में, कम पैसे के अभाव में भी लोग जो कम पैसे में यात्रा कर लेते थे ट्रेन से, लोग बस से नहीं मतलब उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो नहीं बस से जा सकते थे, इसीलिए लोग ट्रेन का सहारा लेते थे और ट्रेन के माध्यम से ही लोग अपने ऑफिस कार्यालय भी जाते थे। पटना से लोग आरा के लिए या बक्सर के लिए लोग आते थे, या बक्सर से या मुगलसराय से लोग पटना जहाँ जिनकी ड्यूटी थी वो आते थे, लेकिन आज देखिए आम जो जनजीवन है वो कितनी बदहाली स्थिति में है, लेकिन फिर भी सामान करने के लिए लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये असामान्य स्थिति और ऐसी घटना का जो हालात मंजर बना, ये क्यों बना और कैसे बना और बनने के पीछे का कारण क्या था, ये पूरे जांच का पहलू है। लेकिन जो नेता हैं, जो सरकारें हैं, पैसा मुआवजा देने के लिए होड़ में लगा हुआ है, होड़ में लगी हुई है, सरकार चाहती है कि उनको पैसा दे दिया जाए। जो विपक्ष के जो नेता हैं वो लगातार ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो लगातार उनकी बयानबाजी सामने आ रही है कि वो कह रहे हैं कि जो भी मृतक है उनके परिवार वालों को नौकरी दी जाए। तो आपदा को अवसर में बदलना अगर सीखना है तो बिहार के उन नेताओं से सीखा जा सकता है, क्योंकि इस भ्रष्टाचार की जनगणना बिहार के नेता इस पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं कि जो बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चल रहा है और साथ ही साथ पूरा ये भारत देश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसका अगर जनगणना हो जाए, विपक्ष पार्टियाँ उसको लेकर अगर सामने आ जाए, उसकी गणना कर दी जाए, तो हमारा देखिए भारत और बिहार सारा जो राज्य है वो कैसे भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा वो हम बता नहीं सकते, वो करने की हो सकता है। अगर वो होगी तो आने वाले वक्त में हमारा भारत देश एक नया देश और बिहार प्रदेश एक नया प्रदेश के रूप में उभरता हुआ दिखाई देगा, नज़र आएगा। लेकिन आज जैसे कि हमने देखा कि आज जो RJD के सुप्रीमो प्रमुख हैं जो लालू यादव,
वो ट्विटर माध्यम से बिहार के उस आंकड़े को दर्शाते हुए दिखाई दे रहे थे कि हमारा जो देश है 113 नंबर पर गरीबी रेखा में जो है वो 113वें पे स्थान पर चला गया। जो उस जो हमारे 2010 की अगर बात करें तो उस समय 60+ यानी 60 या 65 के बीच में जो आंकड़ा था वो जरा, तो इस आंकड़े पर बात चल रही है, इस आंकड़े पर बात कर रहे हैं जो नेता हैं, नेता जो सरकार में है या विपक्ष में है, वो दो इसी पे लगे हुए हैं। लेकिन लोग इस पे नहीं लगे हुए हैं कि इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा। जो अंग्रेज के समय का जो पुल पुलिया को आप देख लें, अंग्रेज के समय के रेलवे ट्रैक को आप देख लें, वो कितना आज भी कारगर है और लोगों के बीच में कैसे वो अपने बलबूते खड़ा है। लेकिन आज के ज़माने में जो काम हो रहा है, जो विकास की बुनियादें जो ढांचा तैयार की जा रही है, वो तो अपने समय से पहले ही वो टूट के ध्वस्त हो जा रही है। भ्रष्टाचार तो इंजीनियरों के सामने आ रहा है, क्योंकि इस तरीके से जो काम किया जा रहा है वो चरम भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पे। इसीलिए हम बार बार भ्रष्टाचार की बात करते हैं। ये जातीय जनगणना करने की आवश्यकता नहीं है बिहार में, भ्रष्टाचार की जनगणना करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग भ्रष्टाचार से परेशान है और उन भ्रष्टाचारियों से परेशान है, उसी का शिकार है। क्योंकि वो देखिए अपने जेब को पैसे से भरना जानते हैं, अपने घरों को अच्छे अच्छे मतलब उस पैसे का दुरुपयोग करके अपने संपत्ति को अर्जित करना जानते हैं, संपत्ति इकट्ठा करना जानते हैं, लेकिन गरीब लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो जो हम बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे सुनने के लिए मेरे यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे फेसबुक पेज पे जाइए वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, ताकि आप मुझे सुन सकते हैं और मेरे माध्यम से जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको आप देख सकते हैं और आप मेरा साथ दे सकते हैं। भ्रष्टाचार पर को लगाम या कोशिश की जा सकती है कि कम हो सके, आने वाले वक्त में अगर लगाम भी लगाई जा सकती है। मेरा प्रयास है कि भ्रष्टाचार मुक्त हमारा बिहार प्रदेश हो जाए और हमारा भारत देश हो जाए। जय हिंद।